बसमिल मैं हूँ सभी काजमी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक नाजी आज की अहम ख़बरें उनकी तफ़ील आपके सामने रखता हूँ दूसरों की कॉलें लीक करने वाला रिकॉर्ड करने वाला डेटी हरी अपनी कॉल लीक करवा बैठा और उसमें एक बड़ा इतराफ़ जुर्म भी है सोशल मीडिया पर अब जो ख़बर चली है उस पर तफ़ील मैं आपके सामने रखता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ बड़ा महाज तैयार किया गया अब जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो तरीकान साफ़ के शहीद कार्य शाह का नोटिस ले रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बड़े बड़े पोल खोल दी ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और मरीम नवाज की न्यूट्रल के ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर सियासी खुद का शमला रात को मरीम नवाज की बड़ी अहम मुलाकात हुई जिसको मैं बताता हूँ आपको और मकबूजा पाकिस्तान में दिन दिहाड़े कानून का खिलवाड़ जिस तरह ख्वाजा आसिफ कर रहा है बोल का चेयरमैन शुय बादल गिरफ्तार हो रहा है जर्नेल अपने आप को बबाय कौम से ऊपर समझ रहे हैं और ईरान में जो अभी हमला तैयार हो रहा है इसराइल का और अवहदा का बड़ा अहम ख़त अभी सबसे पहले नितंन याहू की अमरीका से जो बातचीत है और अचानक पाकिस्तान की इमदाद में आपको पता है बड़ा इजाफा भी अमरीक की तरफ से हुआ तो मैं इसी से तफसील शुरू करता हूँ अमरीका ने भी आपको पता है बात की है कि जिस तरह नौ ग्यारह के हमलों से पहले पाकिस्तान के साथ दहशत गर्दी पर मामल चल रहे थे सिलसिला हमें वहीं से शुरू करना है यानी इसका मतलब आसान अल्फाज में पाकिस्तान अस्सी के हज़ार लाशों का मजीद बंदोबस्त कर ले क्योंकि अब डॉलरों का अंबार लग जाएगा आपके पास लेकिन स्विस बैंकों में अमरीकी सदर ने मुआशी इमदाद का जो पैकेज पाकिस्तान को मिलता है उसे डबल करने का एलान किया और उसमें एक खास किस खासम की कैटेगरी भी रखी हुई जिसके मुताबिक पैंतीस लाख डॉलर इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग फंड के नाम पर मिलेंगे अब ये है वो असल वारदात जो आप सब लोगों को समझना होगी कि जितने भी मिल्ट्री के कोर्सेज़ बैरून मुल्क करवाए जाते हैं यहाँ से जो बच्चे नौजवान कैडेट्स जाते हैं बाहर जाके आपको पता है नहीं ये क्रीम होती है इसी में से कोई चीफ आर्मी स्टाफ के लेवल तक पहुंचता है ये सी आई ए बरतानवी एम आई सिक्स इन लोगों की बाकायदा आपको पता है ट्रैक में आ जाते हैं उनके लिए फिर काम करते हैं उसके नतीजे में रिटायरमेंट से एक साल पहले पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला जनरल बाजवा की सूरत में नजर आता है और पूरा पाकिस्तान सोचता ही रह जाता है कि जनरल बाजवा को ऐसा क्या मिला कि उसने पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया या उससे पहले जो थे इमरान खान के साथ भी अमेरिका का यही मसला था वो इनकी ड्रोन पॉलिसी नहीं मानता था इमरान खान के दौर में इसलिए ना इमदाद मिली ना कभी सफी लगा बल्कि अमरीकी सदर तो बात तक नहीं करता था क्योंकि इमरान खान को ना डॉलर चाहिए थे ना वन की किराए की बंदूक बनना था लेकिन असल वारदात ही सिर्फ़ और सिर्फ डॉलरों के लिए अभी देखें बलोचिस्तान में पानी सेहत खेल और मीशत के मतलब फ्लाई मनसूबों का जनरल आसिम मनू साहब ऐलान करें इसका क्या मकसद है क्योंकि वहाँ की कान से सोना भी निकल रहा है उसकी बाकायदा तौर पर आपको पता है पैदावार काम चल रहा है फिर ईरान से जो तेल की स्मगलिंग का सारा तेल बलोचिस्तान आता है आप देखें पेट्रोल की जितनी मर्जी कीमत पाकिस्तान में हो इनके बच्चों की बाजार से पेंसिल भी खरीदनी हो या अर्दनी को भेजकर दही भी मंगवाना हो धनिया मंगवाना हो तो इनके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि एक अरब रुपए की तकरीबन रोजाना तेल की स्मगलिंग से पैसा कमा रहे हैं बलोचिस्तान में इस वक्त ये मालिक बने हुए चाहे वो मछलियाँ पकड़ने वाले ट्रेलरों से पैसे लेने हों तेल की स्मगलिंग वालों से लेने हो मनशात फ्रोशों से या जो धात निकालने वाली वहां कंपनियां का काम कर रही हैं उन्हें दुनिया में ये हर सूरत में अपना काम चलने देंगे इसीलिए फ्लाई मनसूबों के नाम पर वर्दाते हैं शबाज शरीफ को बॉर्डर पर फिर भेज दें अगर उन्हें ये करने हैं अमरीका के ये बाकायदा तनख्वादार मलाजिम है जब चाहें चाहे अफगानिस्तान में आपको पता है जिस तरह या हिंदुस्तान में चीन में ईरान में अभी जो सबसे बड़ा मसला इनके लिए बना हुआ है अमरीका के लिए वो ईरान बना हुआ है इसराइल बाकायदा तौर तो पर इसे ख़त्म करना चाहता है उसके लिए भी नितिन याहू और अमरीकी डिफेंस सेक्रटरी लॉयड ऑस्टन की जो मुलाकात हुई है उसमें देखिए अब्राहम अकॉर्ड मायदे और फिर उसके बाद अरब दुनिया और इसराइल के तल्ल ये ईरान के एटमी हथियारों के मतलब और उसके सबसे बढ़कर आज़रबाईजान में जो असले का हम लगा रहे हैं अब पाकिस्तान को दहशत गर्दी के नाम पर नौ गया की सूरत हाल पर वापस लाना ये तमाम वो मामलात हैं आप देखेंगे कि ड्रोन हमले अब आने वाले दिनों में शुरू होंगे और ये सब आपके सामने नज़र आएगा आपको ये सारी पॉलिसियाँ आप बदलती हुई नज़र अच्छा अब बात करते हैं डेटी हैरी की कॉल लीक का सोशल मीडिया मामला ये डेटी हैरी एसपी वकार खरल के साथ बातचीत कोई सामने आई है और आपको पता है इदारे के अंदर गंदी मछलियाँ भी होती हैं सही लोग भी होते हैं गलत लोग भी होते हैं कुछ लोगों ने ईमान भी होता है उनका मुहब वतन है हर शख्स से अपनी खबर में जाना होता है तो जो मुहब वतन लोग हैं वो फिर इस तरह के इन लोगों के जो मामलात वो बाहर लेकर आते हैं ख़बरें भी देते हैं इंटेलिजेंस की खबरें भी इन्हीं से मिलती हैं इमरान खान को भी गिरफ़्तारी से लेकर कातलाना हमले तक जो सब कुछ पता था इन्हीं लोगों से पता चलता था इदारे की ये पॉलिसी अपनी जगह बढ़ाते हैं लेकिन अब देखें मैं उसको मिसाल आपको देता हूँ मेजर जनरल एस एन अहमद ये उन्नीस सौ पैंसठ में भर्ती हुआ ननानवे में रिटायर हुआ मुशरफ के दौर में फिर वजीर भी लगा रहा इसकी वहाँ पचास एकड़ ज़रिएज़ मीन भावन नगर में और पिंडी और कराची में इसके बड़े बड़े शाहाना घर मुशरफ के रेफरेंडम में इसने साथ नहीं दिया उसको उसने फारक कर दिया पेंशन रोक दी ये क्या से भी मिला ये रहाशी से भी मिला इसने बड़ी जान मारी लेकिन कोई इसकी वो बहाल नहीं हुई हालांकि मेजर जनरल के लेवल पर था इनका अपना बंदा जब परवेज मुशरफ इस दुनिया से चला गया मरने के बाद इसके सारे फंडस बहाल हुए तो इसलिए याद रखें कि जो लोग ये दारा पॉलिसियाँ चलाता है ये बाजवा की पॉलिसियाँ भी इस तरह रिवर्स नहीं होंगी तो जो उन्होंने इन्होंने काम कर रहा होता है बदलना इतना आसान काम नहीं लेकिन जहाँ इनकी हमायती हैं वहाँ मुखालफी भी हैं ये डेटी हैरी की जिस तरह कॉल आई है सामने ये ऑडियो लीक जो है ये भी इसके किसी मुखालिफ ने शुरू की जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा उसकी डेटी हरी के एंड में मैं आपको एक और वारदात बता दूँ इसमें हुक्म दे रहा है बल्कि किसी ऑडियो लीक में बंदे फड़का दूँ ये मुमकिन है कि देखे इन्हें इलेक्शन मुलतवी करवाने की बात ही वो एस पी खर आगे से कह भी रहा है कि हमारे पास दो चार बंदे गाड़ियों में भी पकड़े हुए हैं जिन्हें हम फड़का देंगे तो फिर ये सारा सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा तो ज़िले शाहर में से एक था मुझे इस पर कोई हैरानगी नहीं है ये लोग तमाम वारदाती हैं पक्के रस्सा गिर इन्हें पूरे पाकिस्तान को पता है ये लोग शामिल हैं इन वारदातों में ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते अब ये इलेक्शन कमीशन को सिर्फ बीस अरब रुपया चाहिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतबाद पर जो कि ज़ीरो शरिया ज़ीरो एक पाँच फ़ीसद बनता है चौदह अरब का जो सालाना बाकी हराजादा है और कानून कहता है कमीशन को वफ़ा के कि आप रिलीज करें फंड वह देता है कल इसकबाल ने ऐसे इस एहतजा से नहीं बात की है लेकिन कानून कौन सा वो शहबाजगिल ने इतना सा कहा था कि आदत के गैर कानूनी अहकाम को मत माने उस पर पाबंदी लगी उसको गदार गदार कहा गया उसके ईंटे बाँध कर नंगा किया गया उसकी वीडियोज़ बनाई जबड़े तोड़े वही बात ख्वाजा आसफ़ भी कह रहा है जिसको इलेक्शन जीतना था तो फ़ोन करता है वो कहता है फौजी पाबंदी है अपनी की के गैर क़ानूनी अहकाम को मानने मजाल है किसी ने कुछ कहा कोई बोले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ये बाकायदा तौर पर इसीलिए मुहिम शुरू करें इमरान खान ने भी कर ये बात की बड़ी अहम ये बड़ा अहम मामला है देखें जस्टिस फायज़ ईसा साहब तरीके इंसाफ के वर्कर अली बिलाल के मावराए अदालत शहादत इस पर सवाल उठा रहे हैं चीफ जस्टिस को इंसानी हकूक तनीज़ीमों को ख़त लिख रहे हैं कह रहे हैं कि मेरे वालिद ने इस पाकिस्तान की जद वजहद की अब ये मामला बड़ा अहम है क्योंकि फायज ईसा साहब का आपको पता है स्टांस साहब पता है और बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है, हम उनके साथ हैं मुकम्मल इतफाक़ करते हैं अली बिलाल के कतलों को रगड़ के लाना चाहिए सामने वो इमरान ख़ान पर फर्जे कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कल इमरान खान ने बात की थी कि अदलिया में ये लोग नफाक डालेंगे और इस वक्त आप देखेंगे मौजूदा चीफ जस्टिस बड़ा अच्छा काम करें ऐसे में अब या तो किसी वारदात का हिस्सा भी हो सकता है इनके कंधे पर बंदूक रख के या जनवन भी हो सकते हैं यह अल्लाह जाने वक्त बताएगा कल इमरान खान का खताब बड़ा दिल दुखाने वाला था दिलेर आदमी है इमरान खान लेकिन जिले शाह की वफ़ाद से मैं देख रहा था शदीद दुख हुआ इमरान खान को और फिर मरीम नवाज के मतलब भी मैंने सोचा फिर तफसी से बात करूँ क्यों अरशद शरीफ जब शहीद हुआ था तो उसका नवाज़ शरीफ उसकी बेटी सब लोगों ने आपने तस्वीर देखी होगी अकलीती त्यौहार का बहाना करके जानबूझ कर केक काटने की तस्वीर उन्होंने जारी की आपको याद होगा सर अरशद शरीफ को पानामा पेपर्स में वीडियोज़ में मेन किरदार थे इनके खिलाफ शरीफ खानदान के मरीम नवाज तो शदीद नाराज़ है इसी तरह भाई अली बिलाल जिले शाह ने इंटरव्यू मरी मरीन नवाज़ के बड़ी सख्त बातें की जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर इतना तशद किया गया उसकी रिपोर्ट में पढ़ के कि उसके दिमाग के शरियाने नाजुक हिस्सों पर ख़तरनाक तशद वीडियो भी बनाई गई मलंग बच्चा सादा बच्चा उसका कसूर से रवैय ख़ान का दीवाना था बस मैं कहता तो हूँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट टॉर्चर की यकीन कर पढ़े सर की हड्डी किस तरह तोड़ी उन्होंने और किस तरह कुचले के नाजुक असा उसके जैसे जानवरों के साथ कोई खुदा की कसम नहीं कर सकता इस साफ़ी ने अली बिलल के वीडियो बनाई गिरफ्तारी की तहकीक़त में अब उसके भी पीछे पड़े हुए नामालूम अफराद वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और ये लोग पंजाब पुलिस के नहीं हैं सब जानते ये आई एस आई के लोग हैं सरों को पता है और ये वो लोग हैं जो मरीम नवाज़ के सहूलतकार कार हैं और इस वक्त मरीम नवाज के हुक्म पर ये हो रहा है आप देख लें जिले शाह की शहादत पर इस औरत ने केक काटा तकरीब की खुवातिन के नाम पर रख के और फिर तस्वीर को ये बार बार चलाते रहे और फिर ये तकरीब में बैठ के वो सियासी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सियासी कारकुन ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। कलेजा चबाने वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है जाहिर लोग इसका इमरान खान से मुकाबला करते हैं इमरान खान देखें क्रिकेट की दुनिया का जो लोग बैरूनी दुनिया लाते हैं क्यों उसके दीवाने वो इंटरनेशनल लेवल का एक सेलिब्रिटी वर्ल्ड कप का फातेह शोकत खानम नमल यूनिवर्सिटी एक पार्टी अपने सर पर तीस साल की मैंने छब्बीस साल इकट्ठी की सबक वज़ी अजम बना पढ़ा लिखा ऑक्सफर्ड का ये बदजबानी सर्जरियाँ हराम की दौलत और उनके पास क्या है दिखाने अभी इमरान खान ट्रियान के इसकी बात करें लेकिन आप देखें कल अल्लाह ने इनकी कलाई सारी खोल दी है सऊदी शहजादे कतर के शाही खानदान के दो लोग रात के इन्हें मिलने आए पूरी वीडियो मेरे पास पड़ी है मैं कोशिश करूंगा उसको अपने ट्विटर पर लगवा दूँ आज सऊदी शहजादा फहद बिन मंसूर और कतर शाह ख़ानदान के दो लोग फहीम हामिद और नदीम हामिद अब तहरीक इन साहब के कुछ रहनमों के दोस्तों का मुझे कहना था कि ये दोनों जो हैं मरीम नवाज़ साहबा के साहबजादे हैं और उनके वालद जो शेख अहमद हैं जिनके साथ की शादी हो चुकी है और ये रिश्ते में जुनेद सफदर के दोनों भाई हैं सोतीले भाई अब चूँकि इनका ज़ाती अमल है और ये मेरी खबर नहीं है इसे आप इस तरह मेरी खबर ना समझिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता उनकी ज़िंदगी जो मर्जी करें लेकिन चूंकि तरीक़े से आपका कुछ रहनमाओं ने बेचा मुझे बताया तो मैंने कहा खबर आपको बताना चाहिए तजिए आपके सामने रहना चाहिए बाकी आप बेहतर समझते हैं चीज़ों को और वो कहती हैं पहले खुद मरीम साहबा कि मैं शादी को निभा रही हूँ ये बहुत बड़ी बात है ये उनका बयान था और ये उनका मैं तीसरा चौथा गोल भी है इस हफ्ते का वैसे तो आप समझ सकते हैं उनके ब्लंडर अब उनके इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया उन्होंने बकायदा प्रोजेक्शन के लिए इनकी चार साल कहते हैं जी झूठ बोलते रहे लोग कि नवाज शरीफ के, के दिमाग की रगे बंद हैं शरियाने बंद हैं वो पागल है मेडिकल रिपोर्ट्स बनते रहे आज वो फरमा रही थी कि नवाज शरीफ तो बीमार ही नहीं था उसे जहर दे के प्लेटलेट्स गिराए गए और ज़बरदस्ती मुल्क से भेजा गया अच्छा वो तस्वीरें तमाम आपने देखी होंगी जिसमें वो किस तरह घोड़े की तरह वो नवाजशी साहब सीढ़ियाँ चढ़ के जहाज़ में मुँह के सामने अंगूर रखा और गंदी नज़रें उनकी उस एयर होस्टेस पर थी एयर शायद की वो सरबी तमाम तस्वीर मौजूद है झूठ बोलने का सबसे बड़ा मसला ये है भूल जाता है अब इन हवालदारों ने जो एफ ए पास है खुद उन्होंने सोचा क्यों ना मरीम नवाज की और बिलावल की मार्केटिंग करें अब मरीम नवाज का ये इमेज बेहतर करने के लिए काम करें बाकायदा टास्क में लगा हुआ है इनको मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ये तमाम किताबें आपने शौक़ से पढ़ी हुई हैं अब चूंकि ये पढ़ी लिखी तो है नहीं है धक्के से एक कॉलेज से कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्ती दाखिल करवाया उधर से को रोक से कोई रोक लो कॉलम आपने पढ़ा होगा तो अंग्रेज़ी बोलने में बुनियादी गलतियाँ हैं वो सारे ब्लेंडर फिर फिर पता नहीं तो क्या कह रही हैं हिस्ट्री में फिक्शन मतलब ये जबान का स्लिप नहीं है क्योंकि जबान आपको पता है मेरी अक्सर स्लिप हो जाती है तो या भूल देते इंसान ये बायदा रिहर्सल करके इन्हें आठ नाम याद करा के तीस कट लगाए गए थे जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं एडिटिंग करते हैं वो जानते है, देख के बता सकते हैं कि इनके जितने इंटरव्यूज़ आते हैं वो बाकायदा तौर पर रिहर्स होते हैं उनमें कट लगे होते हैं क्योंकि इनका आई लेवल बहुत माठा है बहुत ही माठा आई लेवल बड़े शौक से पोलो कोइडो को उसका नाम है पावल ऑफ कावल अब देखें इनको जब पता नहीं है ब्राज़ीलियन फिर इंटरनेशनल स्टडी के लिए तुर्क अदब को मैं खंगालती हूँ अलिफ शाहब को उसका नाम अलिफ शफाक है वो खातून बड़ी अच्छी फोटी रूल्स ऑफ लव उनका बड़ा मशहूर नावल है अच्छी वो ये इनकी भी कहती थी मेरी बड़ी पसंदीदा फेवरे मैं होता पूछता उसमें बार फिर वो द सीट ऑफ द सॉल गैरी जुकाव है उसकी उसके गहरी भाई अच्छा गहरी साहब इसलिए अब अच्छा पता नहीं <laughs> मुझे डर था कि गैरू <laughs> मतलब चले चौड़े इस बात में वो कुछ उल्टी सीधी बात ना निकले मुहतरमा ने फरतल बे की किताब का द लास्ट नाइट इन दिल्ली का हवाला दिया और वो नोबेल प्राइज़ विनर है उस शायर जो है बहुत बड़ी क्योंकि इनकलाबी शायरी से इनका बड़ा गहरा तल्लुक है उसको ये यह शीमा सैनी गहरा मुझे डर कि सनी ल्यूनी ना कह कहते वो सीमस हैनी है उस उसको पर्चियाँ देख देख के और जब देखें जब ये रिकॉर्डिंग करवाते हैं और जुगनू मौसु ने इरफान सदीकी जैसे लोग दिन रात इन्हें पढ़ाते हैं समझाते हैं इनकी अतालीक बने हुए हैं तो फिर ये कट भी लगते हैं और इस तरह के ब्लेंडर भी लगते हैं अब इन पर इस्टेबलिशमेंट की अगली नजर है कि सारी की सारी इल्मो अदब का गहवारा इन्हें बनाया हुआ है और इनके ऊपर पूरी तकिया गया मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी पक्की बात और वो इंटरव्यू करने वाला उसका पता नहीं क्या नाम है नाम इस बंदे का मुझे नहीं पता वो सवाल क्या पूछ रहा है कि सुना है आपको मुताला करने का बड़ा शौक़ है જરા હાલત ચેક કરે લોગ કે એક તરફ કહે રહે जेल મે કપડે ઇસ્ત્રી કરને પ્રેશ કરને કે લિયે ઇસ્ત્રી નહી થી તો دوسری તો پڑھને કે લિયે ઇંગ્લિશ નોવલ دیے વગેરે थे अब અનટેલેન્ટેડ નસલ જો હો ના દેખે વો લોકો ને ઉસકી કઝાફી કી ઓર ઇસકી સદામ हुसैन કે લોકો ને નહી કબૂલ કી ભઈ ટેલેન્ટ નહી હે વો 44 બચે હે એમને નહી માનતે લો ડિક્ટેટર હો jitna marzi bada ઇનકી બદઝુબાની જો હે ઉસે અલબતા યે ફાયદા હો રહા હે તારીખ ઇન્સાફ કો સરા वो जो इमरान खान बार, बार बार बात करते हैं ना कि हमारी भी टीम है। अच्छा में अच्छा डेडी आरी आर की आखिरी मैंने आपको खबर देनी थी वो जो आपको याद होगा गया एहसानला एहसान जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन था जिसको पकड़ा था उसको छोड़ने में आप जो है ना अव मुतदा का जो लेटर है वो उस्मान काकड़ के नाम से आया जिसे इन्होंने बलोचिस्तान में शहीद किया था घर में अली बिलल के वाले से भी बात हुई कल लेकिन उस्मान काकड़ को उन्होंने शहीद किया था बहुत बड़ा जनाजा था आपको याद होगा क्योंकि उसकी तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर एक सेनेट के अंदर फिर उसके बाद उसको शहीद किया गया उसे शहीद करने में जिस पार्टी में कालादम तंजीम में शामिल थे उनके पीछे एहसान उलासान ये लोग शामिल थे और एहसान का बयान था कि मुझे दो ऑफिसर्स ने कहा था कि आपने जो है इसको शहीद करना है उस्मान काकड़ को बड़ा लीडर था वो बहुत मशहूर आपको पता है आम आदमी था भी था बेचारा इसको फिर एहसान को इन्होंने फिर भगाया आपको पता है उसको बोले कितना बड़ा हाई कैडर का बंदा वो तुर्की बैठा हुआ है वहाँ बैठ के आराम से तो ट्विटर पे सब चीजें बात भी करता है इनकी गिरफ्त से वो कैसे निकला किस तरह डेडी हैरी वगैरह ने इसको निकाला तो ये इनका तरीका कार वारदात है कि चाहे वो ए पी एस के सहाने में वो लोग शामिल थे याद रखिएगा इसीलिए ताने माने जुड़ते हैं कि ए पी एस का साना भी इनके पर इल्ज़ाम लगता है ये साना इन्होंने करवाया बाकी पिशावर वाला भी इनके ऊपर लगता है और आगे पाँच छः दिनों में मजीद ये कोशिश करने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अमरीका के 9 ग्यारह के पोस्ट प्लान पर दोबारा जाना है तो इन शाला लेकिन अपना अल्लाह आपको पता है हमारे साथ है उम्मीद है इनशाला सब कुछ ठीक होगा अपना खास ख्याल रखें मुझे इजाज़ें अल्लाह